कृष्ण की प्रेम कहानी। कृष्ण अपने बसुरी क्यों तोड़ी। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमितेश हिंदी कहानी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जब कभी प्रेम और त्याग की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यु कैसे हुई थी और आखिर क्यों श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी तोड़नी पड़ी थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थीं। एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण का बांसुरी धुन ही ऐसी थी कि राधा श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी नीचे दी गई है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थीं। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी की। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस सहित बाकी राक्षसों का वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो
बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। मेरे प्रिय दर्शकों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू ली हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। धन्यवाद।